कल जोगी जी को करीब 12:30 बजे एडमिट किया गया, जब उनका कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया था। उसके बाद CPR करके उनको फिर से रिवाइव किया गया। ईश्वर की दया से कार्डियक एक्टिविटी सब तुरंत आ गई और रेस्पिरेटरी के लिए वेंटिलेटर पे लिया गया। कल ब्लड प्रेशर एकदम फॉल हो गया था, तो नॉरेड और डोपामिन के सपोर्ट पे थे जो कि धीरे धीरे कम होते गए, और आज पूरा अभी अभी हट गया है। नॉरेड और डोपामिन दोनों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, खुद ही अपने आप मेंटेन कर रहे हैं। किडनी भी अच्छा काम कर रही है और फिर यूरिन भी नॉर्मल हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि ब्रेन को कितना देर ऑक्सीजन नहीं मिली और उसमें कितना डैमेज हुआ है। CT स्कैन में तो सिग्निफिकेंटली चेंजेस दिख रहे हैं। कल अभी तक उनको हाइपोथर्मिया में मैनेज कर रहे थे 33 डिग्री के आसपास। कल से जो है उनको वार्म अप करेंगे और सेडेशन बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा मेंटली अलर्ट हो, और फिर उसके बाद 12-14 घंटे बाद रिफ्लेक्सेस कुछ आए कि नहीं ये देखा जाएगा। उससे फिर पता चलेगा कि ब्रेन एक्टिविटी है कि नहीं।